Hello student, good morning everyone. I am going to teach about trigonometry. आज हम लोग trigonometry का last video है, last class है यह. इसमें हम लोग कुछ important question के बारे में discuss करेंगे. जैसे हम लोग आज से दो दिन पहले भी trigo पढ़े हैं, formula था उसका, कुछ concept था, उससे हम लोग का एक्सरसाइज तो बन जाएगी. लेकिन ट्रिगो में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ फॉर्मूला जानने से हम लोग को सॉल्व नहीं, उसको हम लोग कर सकते इजीली. तो हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट अलग है बनाने का. फॉर्मूला वही है जो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग को यह क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है. तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, देन सो क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू. यह जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका बनाने का जो कंसेप्ट है वह कुछ अलग टाइप का है. देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्टली हम लोग को सॉल्यूशन लिखते हैं. अब यहाँ पे हम लोग को पहले भी जो क्वेश्चन प्रूफ किए हैं तो उसमें जनरली क्या करते थे, हम लोग LHS को लिख देते थे और उसको कैलकुलेशन करने के बाद RHS ला देते थे, या RHS को लिखने के बाद कैलकुलेशन करके LHS ला देते थे. यह कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. एबीसी एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है एबीसी. यह देख, इसमें देखने वाली बात यह है कि यह राइट ट्रायंगल का बात नहीं कर रहा है. देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू. हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिखते क्या है कि जब एबीसी जो है ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है तो वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. अब इसमें हम लोग को देखना यह है कि जो LHS में प्रूफ करना है उसमें कौन कौन सा एंगल है. इसमें बी और सी है, ए तो इधर है नहीं, राइट पार्ट में ए है, तो ए को हम लोग उधर भेज देते हैं. तो लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह प्लस हो जाएगी तो क्या होगा, माइनस ए. अब हम लोग को देखना क्या है कि जो प्रूफमेंट है उसमें बाय में टू है, तो बाय टू कैसे आएगा, जब हम लोग दोनों तरफ दो से डिवाइड देंगे. तो लिखते क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू, मतलब दोनों तरफ दो से डिवाइड करने पर. अब हम लोग देखते क्या है कि b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाई टू. अब देखते हैं इसको, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है क्योंकि यही प्रूफमेंट में भी है. तो b प्लस सी बाई टू, और जैसे ही इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो 180 बाई टू माइनस ए बाई टू. और लोग देखते हैं यहां पे है बी प्लस सी बाई टू, यह 90 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, यह हमारा आ गया. अब हम लोग इसमें LHS में देखते हैं कि साइन का काम है, RHS से उनको मतलब नहीं है, वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा. LHS को देख करके ही सभी काम हम लोग करते हैं. अब देखते हैं कि इसके साथ में साइन लगा हुआ है. अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिखते क्या है
कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन, तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे साइन ए लिखा हुआ है तो हम लोग यह साइन इंटू ए कभी नहीं लिख सकते हैं, यह हमारा रूल्स गलत है। यह साइन और ए कभी भी मल्टीपल के साथ में नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग को करना क्या है भाई, जब मल्टीप्लाई नहीं है तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड साइन, हम लोग दोनों तरफ साइन को ले लेते हैं। अब हम लोग करते क्या है, जब दोनों तरफ जैसे ही साइन लेंगे तो इधर हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू, दोनों तरफ हम लोग साइन को ले लिए। अब क्या करते हैं, आर एच एस हमारा प्रूफ हो गया, साइन बी प्लस सी बाई टू छोड़ देंगे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस और थीटा के जगह पे ए बाई टू है, हमारा जो क्वेश्चन था वह प्रूफ हो गया। यह जो क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट कुछ अलग है, तो हम लोग इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा बी प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस सी जो हम लोग को एलएचएस में चाहिए उसको एलएचएस में छोड़ देंगे और बाकी जो राइट पार्ट में चाहिए उसको राइट साइड ले जाएंगे, उसके बाद यह प्रोसेस के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो एक्सरसाइज में हमारा नहीं है या है भी लेकिन इसका कंसेप्ट अलग टाइप का है कुछ बनाने का। जैसे क्वेश्चन है सेकंड, इफ टैन ए माइनस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड यहां टैन ए प्लस बी होगा एंड टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, जीरो डिग्री ग्रेटर ए प्लस बी ग्रेटर 90 डिग्री एंड ए ग्रेटर देन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो यह क्वेश्चन है इसमें कह रहा है क्या कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, और हम लोग को ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं उसके बाद गिवन डाल लेते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है। फर्स्टली हम लोग को गिवन है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री, हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन में रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, तो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है रूट थ्री होता है, टेन से टेन दोनों तरफ हम लोग कैंसिल कर देते हैं काटते नहीं है याद रखना है इस बात को, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एक और गिवन में दिया हुआ है टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, हम लोग देखेंगे टेन में वन बाई रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, तो टेन 30 का होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ टेन 30 डिग्री, टेन से टेन कैंसिल हो गया ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यह हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया और यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रोसेस से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस भी है यहाँ ए माइनस भी है, जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे बी से बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो लिखते क्या है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलएचएस जो है एलएचएस के साथ ऐड होता है और आरएचएस आरएचएस के साथ ऐड होता है, देखते हैं हम लोग बी से बी कैंसिल हो गया ए और ए मिलके 2a और इसको जब ऐड करेंगे 90 डिग्री होगा, इससे यह कट जाएगा 45 बार में, मतलब a इक्वल टू 45 डिग्री। अब a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट
या इक्वेशन सेकंड कोई में भी अगर हम लोग इसको पुट करेंगे बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अगर इसमें पुट करेंगे तो प्लस 45 उधर जाएगी तो माइनस 45 और इसमें से घटेगा तो 15 आएगा। अगर इसको भी हम लोग लिखते हैं फिर भी 15 ही आएगा। सो देख सकते हैं सो बी इक्वल टू 15 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अब यह जो मेरा क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और इस जगह पे दूसरा रेशियो भी ले सकता है जैसे यहाँ साइन यहाँ कॉस कुछ भी हम लोग को क्वेश्चन गिवन में दे सकता है और ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो इसी प्रोसेस से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। अब देख लेते हैं थर्ड जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी होता है बोलता क्या है प्रूफ दैट टैन 1 डिग्री इंटू टैन 2 डिग्री इंटू टैन 3 डिग्री इंटू टैन 4 डिग्री डॉट डॉट लेता है यहां पे उसके बाद लिखता है टैन 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखना है हम लोग को क्या कि क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है कि टैन 1 टैन 2 टैन 3 टैन 4 लेकर टैन 89 तक है और इसको सब मल्टीप्लाई में है इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि 1 होगा। तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि 1 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है 89, 2 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है 88, 3 का कॉम्प्लीमेंट 87, फिर 4 का 86, मतलब इस तरफ से बढ़ रहा है तो इस तरफ से घट भी रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से लेकर 89 तक नंबर है इट मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर होगा 1 से लेके 44 तक का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को 46 से 89 तक मिल जाएगा। बचेगा कौन तो सिर्फ बचेगा टैन 45। तो हम लोग का यह भी एक रूल याद रखना है कि जो भी हम लोग प्री और रेशियो का वैल्यू जानते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट एंगल के साथ कन्वर्ट नहीं करना है। जो हम लोग जैसे टैन 1 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं टैन 2 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग को क्या कर देना है चेंज करना है प्री और रेशियो में। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे उसके बाद LHS लिख लेते हैं। क्या है LHS में टैन 1 डिग्री इंटू टैन 2 डिग्री इंटू टैन 3 डिग्री इंटू डॉट 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 टैन 89 डिग्री। अब हम लोग को करना क्या है इसको हम लोग लिख सकते हैं इजिली टैन 90 माइनस 89 में से अगर 89 को घटा दिया जाए तो 1 डिग्री बचेगा। फिर टैन 90 माइनस 88 इसी तरह से टैन 90 माइनस 87 90 में से अगर 87 को घटा जाए 3 बचेगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं डॉट 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 और यहां पे जो टैन 45 होगा टैन 45 इसी तरह से टैन 89 तक यह नंबर जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखना क्या है यहाँ टैन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है यहाँ पर लिखेंगे कॉट 89 डिग्री यहाँ भी लिखेंगे कॉट 88 डिग्री यहाँ लिखेंगे कॉट 87 डिग्री क्योंकि टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा डॉट 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 ले जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे टैन 45 का जो वैल्यू होता है एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉट 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 कहां तक टैन 89 तक। अब हम लोग यहां देखते हैं क्या है यहां से टैन कॉट 89 इधर टैन 89 फिर कॉट 88 इधर टैन 88 इधर कॉट 87 इधर टैन 87 कॉट 86 टैन 86 इसी तरह से हमारा जो नंबर होगा वह एक दूसरे से मैच करेगा टैन और कॉट में। तो अगर यह प्रोसेस होती है तो हम लोग पहले से ही जानते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट 89 इंटू टैन 89 इज इक्वल टू 1 कॉट 88 इंटू टैन 88 इज इक्वल टू 1 कॉट 87 इंटू टैन 87 इज इक्वल टू 1 मतलब जो भी नंबर आएगा वह 1 के सिर्फ मल्टीपल होगा सिर्फ 1 होगा सिर्फ 1 कहां तक 89 तक।
तो हम लोग एक को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, वह नंबर जो आएगा वन ही आएगा। सो हमारा जो क्वेश्चन था वह प्रूफ हो गया। अब एक और क्वेश्चन होता है, जैसे वह पाई के फॉर्म में होता है ट्रिगो रेशियो में, उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, या हम लोग साइकिल भी यूज किए हैं या मेंस्ट्रुएशन या कहीं भी पाई दिखता था तो हम लोग यही यूज करते थे। याद रखना है कि जब ट्रिगो में पूछे कि पाई का वैल्यू कितना होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पूछता है कि पाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में पाई इक्वल टू 180 डिग्री यूज करना है। पाई का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री यूज करना है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है। जैसे क्वेश्चन कहता क्या, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सोल्व साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 पाई बाय 4 प्लस टेन पाई बाय 4। हम लोग को इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो पाई का वैल्यू ऐसे तो 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर पाई का वैल्यू कितना है 180 डिग्री बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री बाय 4 प्लस पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री बाय 4। अब हम लोग देख लेते हैं इसका, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको जैसे ही हम लोग कैंसिल करेंगे 30 बार में यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यह 45 बार में कैंसिल, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। यह जो हमारा है यह भी 45 बार में कैंसिल, मतलब टेन 45 डिग्री। ध्यान रखना यह दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें स्क्वायर नहीं है। और हम लोग को देखना है यहाँ पे कि साइन 30 का कितना वैल्यू होता है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर होगा। प्लस टेन 45 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, इसमें स्क्वायर नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। अब इसको एलसीएम लेकर के हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसका एलसीएम होगा 4 4 1 4 1 आएगा, 1 1 1 होता है। इसमें इससे डिवाइड देंगे 2 2 में 1 से मल्टीप्लाई तो 2 होगा, इसमें इससे डिवाइड तो 4 और 4 में 1 से मल्टीप्लाई तो 4 होगा। जैसे ही इसको ऐड करेंगे 7/4 यह हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह का ट्रिगो रेशियो है कुछ। अब हम लोग को टोटल कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब नेक्स्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वीडियो जाएगा तो उसमें सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। थैंक यू।